हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया है, इनको धुल करके अच्छे से पीस काट लिए हैं। इस तरह से एक में काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल पतले काटना है। अभी इस तरह से पतले पतले कट गए हैं, अब इनके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। अब ये सारे कद्दू को मैंने काट के तैयार कर लिया है एकदम बारीक पीस में। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, इसको साइड कर देते हैं। अब एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। 1/4 चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर। अब इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच पानी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी ये गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब मसाला को फूलने देंगे, चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में रखेंगे एक कढ़ाई, गैस को ऑन करके लो मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून के आसपास। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 2-3 पिंच हींग डाल देंगे, 2 बारीक कटी हरी मिर्च। अब थोड़ा सा पकने देते हैं। अब ये पक गया है, अब इसमें डाल देते हैं मसाला जो मैंने बना के रखा था। अब इसमें मसाला चिपक गया है, थोड़ा सा पानी डाल के फिर से डाल लेते हैं। अब मसाले को 2 मिनट भून लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद नमक, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दोनों नमक को मिला के स्वाद के अनुसार ही डालना है, ज़्यादा नहीं ले पाए। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कद्दू डाल देंगे जो मैंने छोटा छोटा काट के रखा था। अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे पानी 1/4 कप के आसपास, फिर से मिक्स कर देते हैं। अब इस समय गैस को लो फ्लेम में कर लेंगे। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ डालेंगे 1 डेली गुड़, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल भंडारे वाला स्वाद, भंडारे वाला कद्दू बनेगा। इसको डाल देते हैं, इसी में घुल जाएगा। अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। अब बीच बीच में चलाते रहेंगे, गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे जिससे जले नहीं। अब 10 मिनट हो गए हैं, कद्दू को देख लेते हैं। अभी अच्छे से पक गया है, ये देखिए। लेकिन अभी इसमें पीस दिख रहे हैं, तो इनको ऐसे इसी छन्नी से मैश कर देते हैं। मैश कर देंगे तो कुछ पीस दिखेंगे, कुछ पीस जाएंगे, बिल्कुल ये भंडारे जैसे सब्जी लगेगी। खाने में तो बिल्कुल वही टेस्ट लगेगा, लगेगा ही नहीं कि आप घर में खा रहे हो। इसको मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। आप लोग तो कई तरीके से कद्दू बनाते होंगे और बहुत टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरा तरीका भी ट्राई कीजिएगा, शायद मेरा तरीका भी आपको अच्छा लगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी कद्दू मैश हो गया है, आधे से ज़्यादा मैश हो गया है, कुछ पीसेज रह गए हैं। अब इसी तरह रहने देंगे, एकदम परफेक्ट है ये। ये देखिए, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते,
धनिया के पत्ते भी मिक्स कर लेंगे। अब धनिया के पत्ते भी मिक्स हो गए हैं, अब इसको गर्म गर्म सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी कद्दू बनके तैयार है। इसको आप रोटी, पराठा, दाल चावल किसी के भी साथ खाइए, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भंडारे वाला कद्दू है तो पूरी के साथ खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।